अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। अरे क्या रही हो तुम? दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? हाँ हो गया हमारा दिमाग खराब। और क्या होगा हमारे साथ? जब भी तुम्हें देखते हैं ना कृष्णा के साथ, उसे अपनी बाहों में लिया हुआ था तुमने जी। इतनी नजदीकियां, इतने करीब, खून खोलता है हमारा, लेकिन तुम्हें नहीं समझ में आता। तुम दोनों ना इस तरह चिपके हुए थे जी, जैसे जैसे चंदन से सांप लिपटता है। और वही सांप बड़े सीने पर रोट रहे थे। हो क्या गया तुम? क्यों इतना इनसिक्योर फील कर रही हो? हम सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करते, और कृष्णा दोस्त है हमारी, उसने गले लगा भी लिया तो क्या हो गया? अरे एक दोस्त दूसरे दोस्त के लिए इतनी सहानुभूति तो रखता ही है ना। दोस्ती दोस्ती दोस्ती, जब तुम्हें कृष्णा की असलियत पता चलेगी ना जी, तो तुम खुद उससे ये दोस्ती खत्म करोगे। वरना सच तो तुम्हें भी पता है और मुझे भी, कि कितना बड़ा धोखा दे रहे हैं हम उसे, और उसने भी हमें एक दोस्त की तरह ही हक किया था। गौरी बात सुनो हमारी, गौरी इतना भी भरोसा नहीं है हमारे ऊपर? भरोसा है जी, पर भरोसा है। हम क्या करें? तुम्हें कभी कभी किसी और के साथ देखते ना तो हम, हमारा खुद पे काबू नहीं रहता। हम कॉल उठता है तुम्हें हमारे आंसू तो नजर ही नहीं आते। हाँ हम गलत है, हमें भी ऐसे नहीं बिहेव करना चाहिए तुम। सॉरी। हाँ हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि तुम ना सिर्फ कृष्णा को अपना अच्छा दोस्त मानते हो, उसे ज्यादा कुछ नहीं। और वो दोस्ती वाला हक था तो माफ कर दो। सॉरी। कोई बात नहीं, आइंदा नहीं करेंगे। इट्स ओके गौरी। कृष्णा तुम यहाँ? दादी जी ठीक है? हाँ दादी अब एकदम ठीक है। अच्छा हुआ तुम हमें यहीं मिल गए। वो हमारा ना अब फिल्म देखने का बहुत ही मन कर रहा है। तो का हम दोनों शाम को चले कोनो अच्छी सी फिल्म देखने? हाँ चल। हाँ क्यों, तुम्हारा मन नहीं है का? नहीं नहीं ऐसा नहीं है, तुम्हारा मन है तो चलते हैं ना देखने। हाँ सच्ची? हाँ ठीक है, थैंक यू। हमें कुछ समझाने की जरूरत नहीं है जीत, भरोसा करते हैं ना तुम पे, जानते हैं कि तुम्हारे दिल में जो हमारी जगह है ना, वो हमारे अलावा और कोई नहीं ले सकता। और इस समय तुम्हारी क्या गलती? वो तो अचानक से कृष्णा आ गई और उसने ये सारे सवाल तुमसे कर लिए। तुम्हारी जगह कोई और होता तो उसे भी हाँ कहना पड़ता,
तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम जाओ जाकर मूवी देखो। थैंक यू, थैंक यू सो मच। समझता हूँ, बहुत अच्छे से गए हैं जीत कृष्णा को, अब देखना कैसे हम उसकी इस रोमांटिक मूवी डेट पर हम चार चांद लगाते हैं। और ये रहा पॉपकॉर्न। ये है पॉपकॉर्न काउंटर और ये है टिकट काउंटर। पर टिकट काउंटर में टिकट तो है ही ना, टिकट कहाँ से लाए हम? ये रही टिकट और ये रहा माइक। जी आप इस अवतार में कितनी अच्छी लग रही हैं। धन्यवाद कृष्णा, ये सब भी तो तुम्हारी वजह से ही हुआ है। तुम्हीं ने हमें एक नया जीवन दिया है, हमें इतनी हिम्मत दी है। बस बस, ये सब इमोशनल बातें ना हम बाद में करेंगे, पहले तुम्हारा ये मूवी थिएटर वो सेट करते हैं। हाँ, सब कुछ कितना अच्छा लग रहा है ना, एकदम सब सेट है, एकदम वैसा ही लग रहा है ना जैसा सिनेमा घर में होता है। हाँ। हे महादेव, अरे हम वो पानी और कोल्ड ड्रिंक लाना तो भूल ही गए, अब ही लेकर आते हैं। कृष्णा कृष्णा कृष्णा, तुम ऐसे टेंशन मत लो। हाँ, तुम एक काम करो, जीत आने वाला होगा, तुम जाके रेडी हो जाओ। हाँ, और ये कोल्ड ड्रिंक और पानी की सुविधा हम कर देंगे। हाँ, परेशान मत हो, तुम जाओ फटाफट से रेडी हो जाओ। ठीक है। सुनिए ना, थैंक यू। जाओ। जितना तुम अपने जीत के करीब जाने की कोशिश करोगे ना कृष्ण, उतना तुम्हें हम जीत से दूर धकेल देंगे। तुमने पहले हमसे हमारे बाबा को छीन लिया, उसके बाद हमारी मैया को भी मार दी। हम तुमसे तुम्हारी ये चकाचौंध, ये सारी खुशी छीन लेंगे। इस रोमांटिक मूवी डेट पर चार चांद लगाएंगे कृष्णा। तेरी नजर के जादू ने बदमाशियों
मेरी रातों में तू। बहुत सुंदर लग रही हो कृष्णा। थैंक यू। फिल्म शुरू करते हैं। बैठो। खटमल कहाँ से आ गए यार? अच्छे खासे हमारी मूवी का मूड खराब कर दिया। बचपन की फेवरेट मूवी थी हमारी, पता है? रुको रुको, हमें ना ये खटमल मारने का ना स्प्रे लेके आते हैं, अभी बताते हैं, ठीक है? खटमल ये खटमल नहीं, गौरी है जो हम दोनों के बीच आ रही है। पर चाहे जो भी हो जाए, हम हार नहीं मानेंगे। कृष्णा ये देखो, ये सेटअप कहाँ गायब हो गया पूरा? कोई बात नहीं, पहले इन खटमलों का काम तमाम करते हैं। मैं तुम्हारा आंगन में इंतजार कर रही हूं कृष्णा। कम समय में कृष्णा ने इतना अच्छा थिएटर का सेटअप कर दिया। तो कैसा लगा हमारा सरप्राइज? बहुत अच्छा। देखो कहा है ना, फिल्म अधूरी रह जाती, पॉपकॉर्न और टिकट तो खरीद ही लेती ना, और अगर पूरी फिल्म ही ना ही देख पाते तो फिर चीटिंग हो जाती ना। वाओ कृष्णा, इतने कम समय में तुमने इतना अच्छा सेटअप कर लिया, वो भी हमारे लिए। थैंक यू। का करते, हमारा दिल ही कुछ ऐसा है कि हम हमेशा तुम्हें सरप्राइज करते रहेंगे। हमें ही देखते रहोगे या फिर फिल्म देखना शुरू करें? शुरू देखते। ओ जाना।
क्या मिलना है सब कुछ ना कुछ पाने को बाकी है। तेरा मिलना है सब कुछ ना कुछ पाने को बाकी है। तेरा मिलना है सब कुछ ना कुछ पाने को बाकी है। तुझसे ही सांस आती है जीने के लिए तू काफी है। जीने के लिए तू काफी है। मेरी आदत हो दोबारा प्यार ना होगा आखिर तुम मोहब्बत हो। अरे हम तो सपना देख रहे थे पर जल्दी ही ये सपना सच होगा। अरे भतीजा तो चाचा से भी बड़ा रोमांटिक निकला। नहीं बेटा चाचा हमेशा चाचा ही रहेगा। अब दिखाते हैं हम तुम्हें कि हम क्या करते हैं। अरे बहुत मजा आएगा हम बता रहे हैं। जब साथ में बैठ के ऐसे हाथ पकड़ के पिक्चर देखेंगे ना तुम समझ नहीं रही हो। नहीं 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 हम बहुत अच्छे से समझ गए सुकांत जी। मजा तो सच में बहुत आएगा मगर अम्मू है ना हमारी, उन्हें ऐसी हालत में हम अकेला छोड़ के तो नहीं जा सकते ना। अरे बाद में जाए तुम्हारी अम्मू जी। और कहने का मतलब ये है कि हम पिक्चर देखने कहीं बाहर नहीं जा रहे हैं। अरे जैसे जीत और कृष्णा ने वहाँ आंगन में पूरा सिस्टम बिठाया है पिक्चर का, वैसे हम छत पे लगाएंगे और उससे भी बढ़िया वाला लगाएंगे। देखो क्या क्या हुआ तुम क्या सोचने लगे? यही सोच रहे कि ये तो हमने सोचा ही नहीं था आंगन में या छत पे ऐसा भी कुछ हो सकता है, हमारी सोच से परे था। पर आपका प्लान बहुत अच्छा है मगर हम दोनों नहीं जा सकते। वो घर पे अगर किसी ने हम दोनों को देख लिया तो दिक्कत हो जाएगी। अरे तुम डरती बहुत हो यार, तुम्हें इस घर में रखने के लिए आज हमने इतना बड़ा गेम कर दिया और तुम डरे जा रही हो बस। गेम कर दिया मतलब? नहीं यार ये नहीं भूलना था। कहीं आपने हमारी अम्मू को तो नहीं ना सोचा भी कैसे? हमारी अम्मू को सीढ़ियों से नीचे फेंक दिया। धक्के से हुई आपकी, हाथ नहीं कांपे। गलती क्या थी हमारी अम्मू की, छोड़ेंगे नहीं हम आपको। क्यों किया ऐसा हमारी अम्मू के साथ? अगर उन्हें कुछ और जाता तो वो मतलब नहीं था। क्या मतलब था और क्या नहीं ये हम नहीं जानते सुकांत जी, लेकिन हम इतना जरूर जानते हैं हमारी अम्मू को मुझ भी आई ना हम कुछ छोड़ेंगे नहीं। यही सब अगर आपने कृष्णा के साथ किया होता ना तो समझते हो, क्योंकि वो थी जो हमें यहाँ से भेजने की कोशिश कर रही थी लेकिन हमारी अम्मू के साथ। अगर दोबारा आपने ऐसी गलती की आप सोच भी नहीं सकते हम के साथ वो करेंगे। थैंक यू कृष्णा, बहुत अच्छी रही हमारी मूवी डेट। मजा तो बहुत आया होगा तुम।
हमारे प्यार हमारे बॉयफ्रेंड के साथ पिक्चर देखकर मजा तो तुम्हें बहुत आया होगा। बॉयफ्रेंड का तो पता ना, लेकिन हाँ हमें अपने पति के साथ फिल्म देख के बहुत अच्छा लगा। पति कृष्णा, हमें समझ में नहीं आता कि तुम्हें क्या कहें। अपने ख्यालों से बाहर निकलो। जो समझौते की बुनियाद पर बनते हैं ना, उन्हें रिश्ते नहीं मजबूरी कहते हैं। हम ही तो ना ही जानते कि सब तुम काहे कर रहे हो, लेकिन इतना जरूर जानते हैं कि अब हम जीत से प्यार करने लगे हैं और वो भी हमसे प्यार करता है। कभी कभी ना कृष्णा, तुम सच में ऐसे जोक्स बैक करती हो। समझ में नहीं आता कि तुमसे नफरत करें या फिर तुम पे तरस खाएं। कब जागोगी तुम अपनी इस नींद से और कब अपनी आंखें खोल कर ये देखोगी कि और समझोगी कि जीत हमसे प्यार करता है, सिर्फ हमसे। गौरी, तुम हमारी जिंदगी में चाहे कितने भी कीड़े या खटमल बो, हम हार ना ही मानेंगे। कृष्णा, ये बैठ कहाँ गए? कृष्णा, कृष्णा, कृष्णा कहाँ चली गई अब? कृष्णा, 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 कृष्णा। बाबूजी, कृष्णा को देखा क्या आपने? ऐसा कुछ खास ध्यान तो नहीं दिया, यहीं कहीं घर में होगी। दादी जी, कृष्णा को देखा आपने? क्या हुआ जीत? पता नहीं माँ, कृष्णा मिल नहीं रही, कब से ढूंढ रहे हैं हम। मिल नहीं रही? कृष्णा ऐसे कहाँ गायब हो सकती है? खोजना होगा हमें उसे। कृष्णा, कृष्णा। ये अम्मो भी कृष्णा को बुला रही है। गौरी, कृष्णा को देखा क्या तुमने? नहीं देखा हमने, हमें हमें नहीं पता, यही कहीं होगी, कहाँ जाएगी। तुम इतना परेशान क्यों हो रहे? वो जहाँ भी होगी मिल जाएगी, तुम परेशान मत हो। कृष्णा चिल्ला चिल्ला कर ना अपनी तबीयत खराब कर लेंगी। तुम टेंशन मत लो, वो यहीं कहीं होगी, हम अमू को देख लेते। चाचा जी, ये हमारे बेड को कहाँ ले जा रहे हैं आप? अरे रखो, रखो। तुम्हारा बेड था ही, आज इसका अस्तित्व खत्म होने वाला है। अरे बहुत खटमल घुस गए हैं इसमें कि आसपास की सारी चीजें खराब कर रहे हैं। माँ, काम करते हैं, हम इसे आंगन में ले जाके इसमें आग लगा देते हैं। हाँ हाँ, तुम सही कर रहे हो, चला दो इसे। उठो उठो।
रंजीत। हमें ना तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है, चलो हमारे साथ। कृष्णा, कृष्णा यहीं कहीं होगी जीत, कहां जाएगी? किसी काम में व्यस्त होगी। तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो? हम हैं ना तुम्हारे साथ, तुम आओ हमारे साथ, आओ आओ ना। पानी लेके जल्दी से जाओ, जल्दी जाओ। जीत, कृष्णा पानी पी ले बेटे, आराम से। तुम ठीक हो ना बेटी? ठीक हो ना तुम? चाचा जी, क्या दिमाग खराब हो गया क्या आपका? पहले ये तो देख लेते अंदर कौन है कौन नहीं है। तो कैसी बातें कर रहे हो जी? सुकांत जी, अरे हमें क्या पता तुम्हारी लुगाई बैठ के ऊपर नहीं बैठ के अंदर घुस के सोती है।
अगर हमें पता होता तो हम ऐसा कुछ करते नहीं ना। तो दीमक लगी हुई थी, खटमल घुसे हुए थे, इसलिए आग लगाई उसमें। अरे कृष्णा तुम ठीक हो ना? दुकान सही कह रहा है, अब ये बेड में क्या कर रही थी? अरे माँ कैसे गई, कहाँ से गई, ये सब छोड़ो, इसकी हालत देखो, इसकी हालत तो अभी से ही खस्ता लग रही है। हमें नहीं लग रहा है कि ये सुहागन पूजा की चुनौती पूरी कर पाएगी, हमें तो चिंता खाई जा रही है, क्या करें। अरे हाँ कल तो सुहागन पूजा है। दादी ये सुहागन पूजा क्या है? हम जानते हैं कि सुहागन पूजा हमारे खानदान की परंपरा है, इसीलिए हम सुहागन पूजा का महत्व समझते हैं। आप लोग चिंता मत कीजिए, हम सुहागन पूजा पूरे रीति रिवाज से पूरी श्रद्धा के साथ करेंगे। कृष्णा को पूजा करने से कैसे रोके हम? ये हम पूरा नहीं होने देंगे। तो तैयार हो पूजा करने के लिए? हमने सोचा कि पहली बार है तो ठीक से समझा दे तुम्हें। सुहागन पूजा ये क्या है? इसमें हमारे खानदान की नई बहू अपने पति की लंबी उम्र के लिए जलते अंगारों पर खड़ी रहती है। एक मिनट रुक, तू दिमाग खराब हो गया क्या तेरा? ये कैसी बकवास पूजा है? ये कोई बकवास नहीं है, ये हमारे खानदान का रिवाज है। घर की हर सुहागन अपने पति की लंबी आयु के लिए ये पूजा करती है। सरस्वती ने किया था, हमने भी किया था जब हम इस घर में शादी करके आए थे। हम अपने घर की परंपरा को टूटने नहीं देंगे। कृष्णा को ये चुनौती करनी ही पड़ेगी। नहीं करेगी कृष्णा। अरे का ढकोसले की परंपरा है तुम्हारे खानदान की? पति की लंबी आयु के लिए पत्नी अपनी जान दे दे, वाह। देख दुर्गा, अब नहीं देखिए, जीत के लिए हमें अपनी जान भी देनी पड़े तो हम पीछे नहीं हटेंगे। जीत के लिए, अपने परिवार के लिए हमें जो करना पड़े हम करेंगे। दादी हमें ये चुनौती स्वीकार है। इतनी जिद क्यों हो तुम कृष्णा? क्यों करना है तुम्हें ये सब? कल ही बड़ी मुश्किल से तुम जलते हुए बिस्तर से बाहर निकली हो और आज वापस तुम्हें आग में कूदना है? हम बच के नहीं आए थे, तुमने बचाया था हमें, और जब हमें बचाने के लिए तुमने अपनी जान की परवाह ना की तो फिर तुम्हारी लंबी आयु के लिए हम ये पूजा करने से पीछे कैसे हट सकते हैं? जब तुम हम दोनों के रिश्ते को इतनी शिद्दत से निभा रहे हो तो फिर हमारा भी फर्ज बनता है कि हम भी उतनी ही शिद्दत से निभाएं। सब बकवास है कृष्णा, कुछ सेंस बनता है इस पूजा का? कि एक औरत को खुद को प्रूव करने के लिए अंगारों पर चलना पड़ता है। क्यों हमेशा एक औरत ही अपनी पति की लंबी उम्र के लिए सारे सैक्रिफाइसेस करे? और हम तुम्हारे इस अंगारों पे चलने से हमारी उम्र कैसे बढ़ जाएगी? उस चीज का लॉजिक हमें समझ नहीं आता। तुम ऐसा कुछ नहीं करने वाली हो कृष्णा। जब बात मान सम्मान प्रेम और आस्था की होती तो वहाँ लॉजिक ना मैजिक होता है। और भले ही हम इस परंपरा को ना माने, हम इस पूजा को ना माने, मगर हमारा खानदान तो इस परंपरा को सालों से मानता आया है। बहू है हम इस घर की, अगर हमें कोई जिम्मेदारी सौंपी गई है तो हमारा कर्तव्य बनता है उसे निभाना। कर्तव्य? कल कोई कर्तव्य तुम्हारी जान मांगेगा तो जान दे दोगी अपनी? अगर जान मांगने वाला कोई अपना हो तो फिर पीछे क्यों हटना? और शायद इस पूजा का कोई महत्व ना भी हो मगर परिवार वालों की इज्जत और मान सम्मान का तो है ना। हम ही पूजा तुम्हारे और अपने परिवार के लिए कर रहे हैं, हमें मत रोको, करने दो। अब हम तुम्हें कैसे समझाएं कृष्णा? ये जो सब तुम हमारे लिए कर रही हो, पर हमारे दिल में तुम्हारे लिए कोई जगह है ही नहीं। कैसे माफ कर पाएंगे हम खुद को? अगर हम अपने प्यार के लिए इतना भी नहीं कर पाए तो खुद को माफ नहीं कर पाएंगे। हमारा प्यार इस परीक्षा में जरूर पास होगा। अच्छा पूजा के लिए देर हो रही है, अब हम चलते हैं। रुको कृष्ण, देखो
हम तुम्हारी आस्था के खिलाफ नहीं है, कदर करते हैं हम तुम्हारी भावनाओं की, पर इस वक्त तुम्हारी हेल्थ सही नहीं है, इसलिए हम तुम्हें मना करें। प्लीज हमारी बात को समझो तुम। हम वही कर रहे हैं जो एक बहू को करना चाहिए, और तुम भी वही करो जो एक खिलाड़ी को करना चाहिए। अखाड़े में ना ही जाना, बहुत देर हो गई है, तुम्हें भी वहाँ पे बहुत सारे काम है और हमें यहाँ बहुत काम है, तो अब जाओ वरना तुम लेट हो जाओ। जाओ 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 जाओ। हम जीत के लिए कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ जीत चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। अब ये माता रानी के ऊपर ही छोड़ देते हैं कि वो जीत को किसके साथ देखना चाहती है। ये लो माँ, बस यही देखना बाकी रह गया था। बहने बनी सौतन, देखो कैसे दोनों साथ में पूजा कर रही हैं। ये तुम क्या कर रही हो गौरी? तुम भी ये पूजा कर रही हो? जी दादी, हम भी ये पूजा करेंगे। पर किसके लिए बोलो? कहीं ये सबको सच ना बता दे। करने दीजिए ना, आपको इसमें क्या ऐतराज है? अरे मतलब हमारा कहने का मतलब है कि ठीक है, अभी वो शादीशुदा नहीं है, लेकिन भविष्य में तो शादी करेगी ना। हम तो ये सोच के खुश हो रहे हैं कि जो भी इसका पति होगा वो बहुत किस्मत वाला होगा। ठीक है, थैंक यू। जीत हमारा प्यार है कृष्ण, और अब तुम देखना हम अपने प्यार को वापस कैसे हासिल करते हैं। जानते हैं कि तुम ये सब हमारे लिए कर रही हो, है ना? फिलहाल आपकी गलत फहमियों का तो हमारे पास कोई इलाज नहीं है सुकांची, लेकिन हाँ, अपने जीत के लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। अंगारों पे खड़े रहना तो बहुत दूर की बात है। हमें ना हमारी किस्मत पे यकीन ही नहीं हो रहा, इतना प्यार करती हो तुम हमसे। हम आपके लिए अंगारों पर तो चल पड़ेंगे सुकांची, अगर क्या आप हमारे चले हुए पैर देख पाएंगे सुकांची? हम भी ना बहुत बड़े बड़े वाले बेवकूफ हैं, तुम्हें उन जलते हुए शोलों पे हम कैसे चलने दे सकते हैं? नहीं नहीं, इतने खुदगर्ज नहीं हो सकते हम। हम कुछ करते हैं, रुको हम जरा देख करते हैं। अरे सुनो, तुम जाके रसम निभाओ, कुछ नहीं होने देंगे हम तुम्हें, चिंता मत करना बिल्कुल भी। हाँ, अपने प्यार को पाने के लिए और कृष्णा को तड़पाने के लिए हम कोई भी हद पार कर सकते हैं। गौरी, तू यहाँ इस पूजा में क्या कर रही है? ई तो भी आता नहीं है। हमने भी रोका था इसे, पर ये पूजा करने के लिए जोर दे रही थी, तो हमने सोचा कि अपने होने वाले पति की लंबी आयु के लिए कर रही होगी। क्या जीत, शादी के बाद चूड़ियां पहन ली क्या? कुश्ती करना बंद कर दिया? करेगा दो दो हाथ बोल। अखाड़े में बात चूड़ियों की कहां से आ गई? हम सब लोग यह मेहनत करने आते हैं,
ताकि देश के लिए मेडल ला सके। आज तेरा मन दो दो हाथ करने का हो रहा है तो सीधे सीधे बोलना, कर देते हैं तेरी ख्वाहिश पूरी। अब दोनों रसम की विधि ध्यान से सुनना। पूजा विधि करने वाली सुहागन जलते कोयले पर खड़ी होकर माता रानी की आरती करेगी। जो जितनी देर आरती करेगा उतनी ही उसके पति की आयु लंबी होगी और दोनों का रिश्ता गहरा होता चला जाएगा। समझ में आया? जी दादी। तो चलो पूजा करो। कैसे हो सकता है? हमारे कोयले तो ठंडे हैं। ये रहा रंगा हुआ कोयला जो लगेगा बिल्कुल जलता हुआ, ये रहा धुआं जो बिल्कुल असली लगेगा।
होगा। गौरी को तो देखो कैसे डट के आरती कर रही है। दर्द सहने की क्षमता कृष्णा से कई ज्यादा है इसकी। बिल्कुल सही कह रही है माँ। दर्द होगा तो बर्दाश्त करेंगे ना। आज तक तुमने हमें बहुत दर्द दिए हैं कृष्णा, बारी तुम्हारी है। जिसे दर्द हो रहा है वो अब बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। तुम किसी भी वक्त गिर सकती हो, हम जानते हैं। देना माता रानी हमें जीत और हमारे रिश्ते के लिए, इसे पूरा करना है। हम हार नहीं मान सकते, आशीर्वाद दो हमें। क्या रही थी तुम गौरी? किसने बोला तुम्हें पूजा करने के लिए? दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? तुम्हें कुछ हो जाता तो हमारे क्या होता? कृष्णा, कृष्णा बेटा खड़ी क्या? उतर बेटा, तू उतर बाहर। बोल रहे थे तो हम तुम्हें बताते हैं कि हम अपने पति से बात कर रहे हैं। तुम पीछे हटो।
बताओ ना, क्या बोल रहे थे तुम? बोलो ना, जवाब तो बताओ। चुप। बस बस बहुत हो गया कृष्णा, थक गया हम ये झूठ भरी जिंदगी जी के, ये लुका छुपी का खेल खेल के। सच सुनना है ना तुम्हें? तो सच वही है कृष्णा जो तुमने सुना। सच ये है कि हम प्यार करते हैं गौरी से, करते हैं गौरी से, और बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। सिर्फ हमारी अच्छी दोस्त हो कृष्ण, जिसकी हम दिल से बहुत इज्जत करते हैं। उसके अलावा कुछ नहीं। प्यार नहीं करते, प्यार नहीं करते तुमसे। यार हम सिर्फ गौरी से करते हैं। सोमवार से रविवार रात 8 बजे दंगल प्ले ऐप पर।